दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उम्मीद है कि आज आप लोगों की जो परीक्षा है काफी मस्त गई होगी, क्योंकि दोस्तों आज जो है कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो आपका एग्जाम्स हुआ है उसका इस वीडियो में कंप्लीट आंसर देखने वाले हैं, जो कि आप सभी छात्र जो है अपने बुकलेट में आंसर को मिला लीजिए और पता कीजिए कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया है और आपका मार्कशीट में कितना अंक आने वाला है, ठीक है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आंसर की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो जिस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था उससे 100% जो है आप लोगों का क्वेश्चन यहां पे लड़ा है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट सही आंसर होगा। इसको मिला लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, जुलाई 1830 ईस्वी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है तीनवा नंबर कि दिया है 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है उसे फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया, तो उसने जो है क्या कदम उठाया था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी जो है ये सही आंसर होगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल चौथा नंबर देखिए दिया गया है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया था, खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है किस राज्य में है, गुजरात में, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग मिला लीजिए। अगला प्रश्न पांचवा नंबर दिया गया कि साइमन कमीशन जो है भारत क्यों आया था, दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि ये सब क्वेश्चन आपका कंफर्म जो है आने वाला है, तो देखिए यहां पे आया हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने जो है साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल छठा नंबर देखिए दिया गया है कि 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आलू। मैंने आपको बताया था नहीं कि आलू जो, ठीक है, आलू भुखमरी जो कब कहाँ हुआ था, आयरलैंड में हुआ था 1840 ईस्वी में हुआ था, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा जो है उल्टा करके दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके दिया है, लेकिन आपका ऑप्शन जो है उसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, आलू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सातवां नंबर दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल दो दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया जिसमें एक गुट की धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था उसमें कौन से देश जो है आते थे, दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि धुरी शक्तियां कौन कौन से हैं, नास्ती जर्मनी और जापान, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिटेन, संयुक्त संघ, फ्रांस और अमेरिका, ये 4 हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आठवां नंबर दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया में ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक जो है गिरावट आई थी, तो किसकी भयानक जो है गिरावट आई थी बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये उत्पादन रोजगार और आय और व्यापार तीनों का जो है गिरावट हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए दिया गया है कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों कच्चे कपास के निर्यात में काफी वृद्धि हुई थी, ठीक है, ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है, देखिए यहाँ पे 9 नंबर तो मैंने बता दिया है ना, ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये बहुत बार मैंने आपको रिपीट करवाया है, इसका आंसर हो जाएगा कपास और धातु, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 11 नंबर दिया गया कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, तो मुद्रण संस्कृत जो है यानी कि मुद्रण तकनीक, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं मुद्रण या मुद्रा तकनीक जो सकते हैं, तो इसका आंसर सबसे पहले कहां हुआ था, चीन में हुआ था, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर दिया गया है कि निम्न जाति आंदोलनों के मराठी प्रेरणता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जो है जाति प्रथा के अत्याचारों का लिखा है, तो मैंने बताया था ना गुलामगिरी के जो है रचयिता कौन है, तो रचयिता कौन है बच्चों मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत बार मैंने बताया था ज्योतिबा फुले, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका जो है राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए, दिया गया है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों के दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है? तो नवीकरण और नवीकरणीय संसाधन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर दिया गया है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हो गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय और पर्यावरण प्रदूषण, ये तीनों हो गए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि क्योंकि क्या होगा बच्चों? इसका आंसर सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 जो राइट आंसर होगा, क्योंकि परिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीवन सांद्य संसाधन जलवायु और मृदा जो है बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी अविविधता को संरक्षित करती है, तो ऑप्शन इसका 4 जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने एक एनालिसिस करके 200 क्वेश्चन जो आप लोगों को दिए थे ना, उसी में से पूरा का पूरा लड़ा है, 100% लड़ा है, ठीक है। आप अगर नहीं देखे ना उस वीडियो को, आप लोग मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है, पूरा का पूरा मिलेगा। और हिंदी वाला जो आने वाला है उसमें भी आपको A to Z वही क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है टच होने वाला है, ठीक है, उसका भी जल्द ही अपलोड होने वाली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर दिया गया है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आरक्षित वन बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए हानिकारक बनते जा रहे हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों से मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि के प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, जो है ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? जल जो है, यानी कि जल जो है पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए, दिया गया है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वे फसल के अंतर्गत आती है, वे फसल जो है आती है खरीफ फसल, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं धान की खेती, ठीक है। तो ये धान जो है किसमें आता है? खरीफ फसल में, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 19 नंबर है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 20 नंबर दिया गया है कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है? तो किस प्रकार की समस्याएं पैदा होती है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा जल क्रांतांत हो जाता है, लवणता हो जाता है, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो लौह अयस्क जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर देखें, दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यूरेनियम और थोरियम, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर यह है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव स्वास्थ्य पर, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि 24 नंबर की बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रसिद्ध, ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया ना, क्योंकि फ्रेंच हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा, फ्रेंच। अगला सवाल 25 नंबर है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया, तो जब 1956 में जो है श्रीलंका में कानून बनाया गया, तो किन किन बातों पर जो है जोड़ा गया था? तो किन किन बातों को जोड़ा गया था? कि सिंगली को एकमात्र भाषा घोषित कर दिया जाए, सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी जाए, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाए, इन तीनों पॉइंटों को जो है जोड़ा गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 26 नंबर दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको बार बार आप लोगों को बताया था और कहा था कि इसमें से आपका 100% टच होने वाला था। देखिए यहां पे आपका 100% जो है टच हुआ है। मैं लिख के साथ कहना चाहूंगा, आपका दावे के साथ कहूंगा कि मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था ना, वही सारा क्वेश्चन आप लोगों का पूरी तरह से 100% लड़ा हुआ है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 27 नंबर है कि पोखरण, जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण के
प्रशिक्षण किए हैं वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वह किस राज्य में स्थित है बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि राजस्थान मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, इसको आप लोग जो है कॉपी में मिलान करते हुए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 28 नंबर दिया है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, तो यह होता है जन्म दर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर है कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिकता कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 30 नंबर, जरा ध्यान देंगे, याद दिया है कि निमांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा केरल। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निमांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है, तो मैंने कहा था बच्चों की प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखें, और मैंने जिस तरीके से कहा था उसी तरह से ना क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, तो किस आधार पर विभाजित है बच्चों, क्योंकि मैंने इसको भी बहुत बार आपको समझाया था, क्योंकि उद्यमों में समावित्व के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका जो है सही आंसर होगा, इसको आप मिला लीजिए। अगला सवाल 33 नंबर दिया गया है कि कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रक के रूप में माना जाता है, तो कौन से क्षेत्रक है बच्चों, तो उसका आंसर आएगा तृतीय क्षेत्रक, जिसको मैंने कहा था कि तृतीय क्षेत्रक जो है वो सेवा के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसको आप लोग जो है नोट करके जो है अपने कॉपी में उसको जो है मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए ध्यान दीजिएगा, 34 नंबर सवाल जो है, जो कि आपको मैंने कहा था और ये क्वेश्चन जो है 100% टच हुआ है। ठीक है, देखिए यहां दिया गया है कि निम्न में कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है, तो कौन सा करता है बच्चों, तो कौन सा होता है, मुद्रा यानी कि पैसा, रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ये जो मुद्रा होता है ना, ये वस्तु विनिमय की दोहरे संयोग को पूरी तरह से खत्म कर देता है, और मैंने सब्जेक्टिव में भी पूरी तरह से इसको बताया था और ऑब्जेक्टिव में कहा था कि ये वाला 100% आएगा, तो यहाँ पे देखिए आ चुका है, टच हो चुका है। अगला सवाल 35 नंबर है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पर क्या होनी चाहिए, जहां पर जो है बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पाद के लिए अन्य कारक उपलब्ध हो, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, 36 नंबर दिया है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण के में निम्न में से कौन सहायक होता है, तो इसमें सहायक होता है विदेशी व्यापार, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 37 नंबर है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों का हुआ था या किन कारणों से हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से सभी, 37 का जो है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 38 नंबर दिया है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है, तो इसको जो है किस प्रकार से बनाया जाता है बच्चों, तो इसका आंसर जाएगा शक्ति और प्रभावी, यानी शक्तिशाली और प्रभावी बनाया जाता है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा, 38 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर है कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, अगला सवाल इसका जो है अंतिम सवाल है, 40वां नंबर दिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों और दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सरकार को सहज बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों का प्रभाव डालना, तो इसका जो है तीनों सही आंसर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इस वीडियो में सोशल साइंस के जो है 40 में से 40 जो है सही आंसर की मैं आप लोगों को दिया हूं, इसको जो है आप अपने जो है बुकलेट में मिलाकर जो है पता कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है और ऑब्जेक्टिव में आपका कितना नंबर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।